अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों। इन डी एस पी स्टेट टेस्ट के हवाले से ताज़ातरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पीएसटी उम्मीदवारों का इन डी एस से जल्द जल्द नतज जारी करने की अपील दोस्तों। ये फर्स्ट जो है ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और एक न्यूज़पेपर में भी ये फर्स्ट जो है ये खबरें जो है लिखी गई है। तो दोस्तों टेस्ट के दौरान ने दफ़ा 144 नाफिस किया गया था। एसी और डीसी चापे मारता टेस्ट बाद में आउट हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत मुहकमा तालीम में भर्ती का सिलसिला जारी है। ताहम प्राइमरी स्कूल टीचर का पर्चा जो 7 फरवरी को NTS के तहत मुनक्कद हुआ था, दौरान पर्चा दफा 144 नापिस किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SDOs और ETOs चापे मारता था। टेस्ट बिल्कुल साफ और शिफाफ हुआ था। फिर टेस्ट शुरू होने के बाद आउट हुआ था, जिसके बाद जिस लोगों ने मेहनत नहीं की थी और उनको फेल होने का खदशा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत और NTS पर इल्ज़ाम लगाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने इंस्पेक्शन टीम मुकर्रर करके टेस्ट को आउट साबित नहीं किया, जिसके बाद भी हुकूमत ने मुतालिका पर्चा कैंसिल करके नई पर्चा के इनेकाद का हुक्म NTS को दिया था। लेकिन ताहाल इस टेस्ट का इनेकाद हुआ न नतज जारी की गई। PST उम्मीदवारों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वबा है जिसकी वजह से टेस्ट के जल्द इनेकाद का इम्कान नहीं, दूसरी तरफ उम्मीदवारों का मेहनत ज़ाया हो रहा है, लिहाजा उम्मीदवारों के वक्त को ज़ाया करने से बचाने की खातिर और मेरिट को यकीन करने की खातिर PST उम्मीदवारों का ये NTS और हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि PST को दोबारा कंडक्ट करे या PST का टेस्ट जो है उनको कैंसिल करके दोबारा कंडक्ट करे या फिर PST टेस्ट के नतज जल्द जल्द जारी करे। तो दोस्तों ये पोस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। यह है PST उम्मीदवार डिपार्टमेंट के तहत महकमा तालीम में भर्ती का सिलसिला जारी था। हम प्राइमरी स्कूल टीचर का पर्चा जो 7 फरवरी को NTS के तहत मुनद, इस पर्चा पर दफा 144 नापिस किए गए। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, ECD और SDO चैपे मार्टिस बिल्कुल साफ और शिफाफ हुआ था। ब्रिटिश शुरू होने के बाद आउट हुआ था, जिसके बाद लोग या मेहनत नहीं की थी उनको फेल होने का हादसा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत और NTS पर इल्ज़ाम लगाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने इंस्पेक्शन टीम मुकर्रर करके टेस्ट को आउट साबित नहीं किया, जिसके बाद भी हुकूमत ने मुतालिका पर्चा कैंसिल करके नए पर्चे के इनेकाद का हुक्म दिया था। तो दोस्तों ये पोस्ट जो है ये एक न्यूज़पेपर में भी शाया हुआ है। PST उम्मीदवारों का NTS नतज जारी करने का। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये फर्स्ट जो है ये सच है या नहीं, तो कमेंट में अपनी आरा का इजहार लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।